हाय गाइस, वीएससी नर्सिंग का नंबर वन चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर वीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएँ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? गैसों का दाब, गैसों की अभिक्रिया, तापमान एवं दाब, या इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का नियम, फैराडे का नियम किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से संबंधित होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय नति, चुंबकीय दीपघात, या चुंबकीय नमन कोण। तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? ओम का नियम, लेंस का नियम, फैराडे का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत का मोटर फैराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, या इनमें से कोई नहीं। कूलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? त्वचा, अस्थि, मांस, या लकड़ी। तो एक्स किरणें अस्थि को पार नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? अल्टरनेटर, कंडेंसर, ट्रांसफार्मर, या इनमें से कोई नहीं। तो अल्टरनेटर यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्टरनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को, आयन को, प्रोटॉन को, या ये सभी को। तो साइक्लोट्रॉन परमाणु को त्वरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रहा है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, बाद में घटेगा, घटेगा, या उतना ही रहेगा। तो यदि एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही हो, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, पानी गर्म करने पर फैलता है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, या पानी जमने पर फैलता है। तो जब बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, वही बना रहता है, घटता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का
समान वेग होता है, समान बल होता है, समान गति होती है या समान त्वरण होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, अधिक हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो जब एक लड़की झूले पर बैठी है और वह झूले पर खड़े हो जाती है तो दोलनों का जो आवर्तकाल होता है वह कम जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाती है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम किसी वस्तु का वेग दोगुना कर देंगे तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटॉप है रेडियो कोबाल्ट, रेडियो शीशा, रेडियो आयोडीन या रेडियो फास्फोरस। तो चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटॉप रेडियो फास्फोरस होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, का आकार बढ़ जाता है, की संख्या घट जाती है या का आकार छोटा हो जाता है। तो जब हम बहुत अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैसें होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थाई आइसोटॉप में बदल जाता है। ऑप्शन ए थोरियम, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी पोलोनियम या ऑप्शन डी सीसा। तो यूरेनियम अंततः सीसा आइसोटॉप में बदल जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उनका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा। 4 महीनों में, 6 महीनों में, 8 महीनों में या 12 महीनों में। तो किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन काल पहले 4 महीनों में नष्ट हो रहा है तो अगले 4 महीनों में आधे का आधा भाग नष्ट हो जाएगा, यानी 8 महीनों में उसका 3/4 भाग नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। सौर विकिरण की तीव्रता, घनत्व, उच्च तापमान या भूकंप की तीव्रता। तो पिकनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग घनत्व मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये PDF आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।